एक कप बेसन, इसमें डाल रहे हैं हम स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच तक कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और धनिया पाउडर, और ये डाल रहे हैं ऑयल 3 टेबलस्पून, और इनको सबको करेंगे मिक्स। एक चम्मच और डाल दिया है हमने तेल, और इसको सबको करेंगे मिक्स। बेसन हमने 1 कप लिया है, पहले इसको ऐसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, खूब अच्छे से मिक्स करके थोड़ा 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 पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगाएंगे। इसको थोड़ा टाइट डो लगाना है इसका। पानी ध्यान से डालिए, क्योंकि ये बेसन है, जरा सा भी पानी डालेंगे तो वो चिपका चिपका हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये थोड़ा सा टाइट डो लगाना है आपको, कुछ इस तरह का ये आटा लग गया है देखिए। और ये देखिए टाइट है थोड़ा। अब हम इस आटे में से ये लोइयां तोड़ लेंगे। हमने तोड़ ली हैं और इनको गोल गोल बना रहे हैं, इनके लंबे ना गट्टे की तरह से रोल कर रहे हैं इनको, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये कर रहे हैं, ऐसे हाथ से चपटा करते हुए इसको, और लंबा करना है क्योंकि हम इनके गोल गोल पीसेस कट करेंगे, तो इसलिए ऐसे करके हाथ में भी नहीं चिपक रहा, देखिए कितने परफेक्ट बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे ये रोल जो है वो बना लेंगे। ये बन गए हैं, अब हम इनके लिए इनको बॉईल करना है, तो पानी रखा है हमने 3-4 कप, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, इसको बॉईल कर लिया है, और अब हम इसमें ये जो बनाए हुए गट्टे हैं इनको डाल देंगे, एक एक करके पानी में डाल देंगे। और ये सख्त आटे से बने हैं तो ये घबराइए नहीं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये देखिए बॉईल होते रहेंगे और अपने आप ये फूल कर ऊपर आ जाते हैं, कलर जो है इनका चेंज हो जाता है, हमें पता लग जाता है, और ये हल्के हो जाते हैं, तैरने लगते हैं पानी पे। तो कुछ देर हम इनको बॉईल करेंगे, ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, इसको थोड़ी देर बॉईल करते हैं हम। बॉईल होने के बाद हम इनको पानी से स्ट्रेन कर लेंगे, ये देखिए कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गए हैं आपके सामने, कलर चेंज हो गया है, और इसको आप इस स्टेज पे ना कट करके भी देख सकते हैं कि आपस में ना चिपकें, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अब हम इसको कर लिया स्ट्रेन, हमने कर लिया है स्ट्रेन, ये बिल्कुल निकाल लिया है पानी, सूख गए हैं, इनको करते हैं अलग और मसाले की तैयारी करते हैं। देखिए मसाला पीसने के लिए हमने 2 प्याज ली हैं, 2 हरी मिर्च ली है, और ये लिया है अदरक, 1 से 1.5 इंच अदरक, 1 इंच अदरक है, और ये 5 हम लहसुन की कलियां डाल रहे हैं, और 1 हम ये मोटा कटा हुआ इसमें टमाटर डाल देंगे, और इसको सबको हम पीस लेंगे। और ये मसाला जो है पीसने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, देख रहे हैं ऐसे हमें पीसना है। ये देखिए गट्टों को वो जो हमने लंबे बनाए थे इस तरह से काट लिया है उनको बीच में से, और ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, आपने देखा है कलर चेंज हो गया है, तब हमने इनको यूज किया है। तो छोटे बड़े पीसेस में आप जैसे पसंद है वैसे काट सकते हैं। पैन में हमने तेल डाल दिया है 2 टेबलस्पून, उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है,
और अब हम डालेंगे पिसा हुआ पेस्ट। और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। एक बाउल में हमने आधा कप दही लिया है, इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इनको हम मिक्स करेंगे। ऐसा करने से दही जो है वो फटता नहीं है, तो ये एक ट्रिक है मसाला डालने का। ये देखिए ये तैयार हो गया है। जब तक हमारा मसाला देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसका पानी भी देखिए सूख गया है, हमें 1-2 सेकंड और इसको सुखाना है, प्याज का जो पानी है वो पूरी तरह से सूख जाए। अब ये भुन गया है, अभी हम इसे डालेंगे दही का पेस्ट। इस पेस्ट को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दही में हमने मसाले मिक्स किए हैं ताकि जो ये ग्रेवी है वो फटे ना, क्योंकि अगर दही आप ऐसे डालेंगे तो दही फट जाएगा। तो आप देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, तेल मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। काफ़ी अच्छे से हमें इसे भूनना है, जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। ये देखिए अच्छे से सूखना शुरू हो गया है, बिल्कुल सूख गया है, पानी जो है ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी मिलाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। पानी डाल के भी हमें इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है और बॉईल होने के बाद हमें इसमें ये गट्टे मिक्स करने हैं। बहुत अच्छे से ये बने हैं, बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी लगने वाली है और इसको भी हम पकाएंगे गट्टों को भी। अब थोड़ी देर ढककर पकाया है हमने, इसको ढककर पका लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है, बहुत अच्छा पक गया है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है। इसमें डालेंगे कटा धनिया और इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए लग रहे हैं ना यम्मी, इसको हल्के से मिक्स करेंगे, बहुत ही परफेक्ट गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। ये देखिए यमी गट्टे की सब्जी रेडी टू ईट।